हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा वीडियो होने वाला है इस कार के इंजन बे की क्लीनिंग को लेके। ये कार, जैसे कि आपको देख के पता चल रहा है कि कार अपनी लाइफ टाइम में कभी इसका इंजन बे क्लीन नहीं हुआ होगा। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर चूहे की मैंगनी है, जो भी आप कहें, उसकी जो टट्टी है वो पड़ी है और उसकी चारों तरफ चूहों ने इस पर पेशाब कर रखा है और गाड़ी काफ़ी गंदी कंडीशन में है। ये गाड़ी एक्चुअली मैंने ली है, इट्स 2009 मॉडल शेवरले स्पार्क। अब इस कार के ऊपर कई सारे वीडियोज़ आने वाले हैं फ्यूचर में। जैसा कि देख सकते हैं इस पर काफ़ी पुराने ऑयल के दाग लगे हुए हैं। 2009 से आई डोंट थिंक कभी इस गाड़ी का इंजन बे क्लीनिंग हुआ है, तो अब हम इसका इंजन बे क्लीनिंग करने वाले हैं। इंजन बे क्लीनिंग करने के लिए हमें कुछ नॉर्मल सी चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ेगी, जो कि है ये शावर है और दो तीन तरह के ब्रशेज चाहिएंगे हमें, और फिर थोड़ा सा पेट्रोल और कुछ माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स एक्स्ट्रा चीज़ें, जो कि आप अभी वीडियो में देखने वाले हैं। और ये देखो, जैसा कि मैं भी आपको बता रहा था कि गाड़ी अपने लाइफ टाइम में कभी अच्छी तरह से साफ़ नहीं हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं बैटरी के नीचे जो कवर आता है, वैसे तो ये टूटा हुआ है, लेकिन नीचे कितनी सारी डस्ट फंसी हुई है जिसे कि हम क्लीन कर देंगे आज। सबसे पहले हमें इसको एक माइक्रोफाइबर टॉवल की मदद से ड्राई क्लीनिंग हम करेंगे, जो इस पर ऊपर जो डस्ट लगी हुई है हम उसको हटा देंगे। तो जितना भी डस्ट है हम उसको अच्छी तरह से साफ कर रहे हैं एक ड्राई माइक्रोफाइबर टॉवल से। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, तो आओ उसको कर लेते हैं फटाफट से। ड्राई क्लीनिंग के बाद अब बारी है वेट क्लीनिंग की, जिसमें हम डिश वॉशर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो बॉटल में भरा हुआ है वो डिश वॉशर जेल है, जो कि हमने नॉर्मल पानी में मिक्स किया है। डिश वॉशर जो है एक बहुत ही अच्छा डिग्रीसर होता है, और कार में मोस्टली सारे जो स्टेन्स हैं वो किसी न किसी तरह के ऑयल की वजह से ही होते हैं, तो जो कि डिश वॉशर है वो बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। क्योंकि मुझे सफाई करने में इंजन बे में जगह काफ़ी कम पड़ रही थी, तो मैंने इसके एयर फिल्टर को निकाल दिया है, जिससे कि हमें ये सारी एक्सेस मिल गई है। और इन जगहों पे जैसा कि देख सकते हैं काफ़ी पुरानी डस्ट और जो कीचड़ है वो जमा हुआ है। मेक श्योर कि आप इनटेक साइड में एक कपड़ा या कोई माइक्रोफाइबर टॉवल या कुछ फंसा दें, जिससे कि जो पानी या जो डस्ट है वो डायरेक्ट हमारी गाड़ी के टोटल बॉडी में ना जाए। और ये जो बुरी तरह से जो डस्ट है जो ऑयल के साथ चिपक गई है, उसको निकालने के लिए हम इस तरह का एक मेटल वायर ब्रश यूज़ करेंगे, जिसे कि हम एल्यूमिनियम पार्ट्स पर यूज़ करेंगे, एल्यूमिनियम और आयरन पार्ट्स पर। जैसा कि देख सकते हैं मैं भी ये इंजन का जो हेड है उसको मैं क्लीन कर रहा हूँ अच्छे से। जैसा कि आपको पता ही है कि गाड़ी की डिटेलिंग के अंदर बहुत ही बारीक बारीक काम जो है हमें करने पड़ते हैं, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और कई बार कुछ सेंसर्स में पानी जाने की वजह से चेक इंजन लाइट वगैरह भी आ जाती है, तो ऐसे काम करने से पहले हमेशा आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें और उसके बाद ही इस तरह की क्लीनिंग प्रोसेस को करें। इन केस कि सेंसर में पानी चला भी जाता है, तो हम इसे थोड़ी देर के लिए हम इसे रुकने के लिए छोड़ देंगे धूप में, जिसके बाद वो पानी है जो धूप से सूख जाएगा, और जब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी बिना किसी चेक इंजन लाइट के ईजिली स्टार्ट हो जाएगी। रेडिएटर की जो होजेस हैं उन पर लगा हुआ कीचड़ ब्रश से साफ नहीं होता, जिसके लिए मैंने कपड़े में थोड़ा सा पेट्रोल लेकर उनको अच्छे से क्लीन किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ज्यादा पेट्रोल नहीं लगाना है, हल्का सा कपड़े में पेट्रोल लेके पेट्रोल की हेल्प से उन पाइप्स को अच्छे से क्लीन करना है, और जो कीचड़ लगा हुआ उसे साफ करने के लिए ही पेट्रोल का यूज करना है। बाकी पाइप्स के ऊपर पेट्रोल अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि पाइप्स की जो आउटर लेयर वो रबर की है, जो कि पेट्रोल से खराब हो सकती है। तो मेक श्योर आप अच्छे से पेट्रोल से क्लीन करने के बाद एक बार डिशवॉशर से और क्लीन कर दें। गाड़ी को एक डिटेल लुक देने के लिए बड़ी चीजों को अच्छे से क्लीन करने के बाद अब बारी आती है माइनर डिटेलिंग की, जो कि होने वाली है हमारी ये ब्रेक फ्लूइड और कूलेंट रिजर्वायर के कैप्स के ऊपर। इन पे कई बार कई सारे जो नंबर्स लिखे होते हैं, जिनको बार बार टच करने से उनमें बारीक बारीक जो डस्ट है वो फंस जाती है। हम यहाँ उस डस्ट को टूथब्रश की हेल्प से क्लीन कर रहे हैं। इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड दिखेगा और हमारी गाड़ी के इंजन बे का लुक काफ़ी इम्प्रूव कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी का इंजन काफी साफ सुथरा दिख रहा है और काफी चमक भी रहा है। अभी हम इस ड्राई माइक्रोफाइबर टॉवल की हेल्प से अच्छी तरह से उसको सुखा देंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं, गाड़ी का इंजन अच्छी तरह से सूख चुका है और मैंने इसमें बैटरी और एयर फिल्टर इंस्टॉल कर दिया है। अब गाड़ी चलने के लिए पूरी तरह से रेडी है और आप देख सकते हैं कि गाड़ी में कितना फर्क आ गया है। अभी आपके सामने मैं बिफोर और आफ्टर के फोटोज लगाता हूँ। देखिए, ये है बिफोर। गाड़ी का इंजन पहले इतना गंदा था और सफाई करने के बाद ये देखिए आफ्टर, ये गाड़ी का इंजन कितना साफ सुथरा हो चुका है। आप चाहे तो इसे पॉलिश करके और ज़्यादा चमका सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या इससे आपको सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकॉन भी दबा दो।